कृष्णा लक्ष्मी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम आपको ये मीडियम साइज के मैंने 5 आलू लिए हैं। इनको अच्छे से छील के 1 घंटा पहले पहले मैंने पानी में भिगो के छोड़ दिया था। देखिए ताज़ा चिप्स में आपको बनाना दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने पानी लिया है, इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, नमक को अच्छे से मिला लिया है। और ये चिप्स कटर में देखिए हम चिप्स बनाएंगे कि ताज़ा चिप्स कैसे बनती है, फटाफट बनेंगे। देखिए इस तरीके से फटाफट आप मोटी बारीक जैसी बनाना चाहें। देखिए पूरी सारी आलूओं को मैं इसमें चिप्स कटर में कस के आपको दिखाती हूँ। देखिए तो बढ़िया फटाफट तैयार हो गए। बाज़ार से तो बहुत महंगे पड़ते हैं हम लोगों को, और बच्चों को तो ज़रूरत, बच्चों की तो ज़रूरत है ये पहली। देखिए इस तरीके सारे आलू करके मैं आपको, देखिए ये चिप्स मेरे सारे 1 मिनट भी नहीं लगा इनको, और ये नमक के पानी में 1/2 चम्मच नमक और डाला, इनको अच्छे से पानी में मैंने साफ़ कर लिया चलते हुए पानी में। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए नमक के पानी में ऐसे ही पड़े रहने दूंगी, उसके बाद कॉटन के कपड़े पर सुखाऊंगी पंखे के नीचे, आपको दिखाती हूँ। देखिए 10 मिनट हो गए, इनको मैंने छलनी के अंदर निकाल दिया है पानी इसका अच्छे से झाड़ के। कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे आप और इसको एक एक करके इस तरीके से 10 मिनट के लिए केवल पंखे की हवा में 10 मिनट के लिए एक एक करके इस तरीके से, देखिए जिससे कि इनका पानी थोड़ा सा सूख जाए। देखिए 10 मिनट के लिए केवल पंखे के नीचे रख देंगे। देखिए तो मेरे बिल्कुल फरहरे हो गए, देखिए पानी सूख गया इनका और ऑयल भी मेरा गरम हो गया। देखिए थोड़ा डाल के देखते हैं, देखिए ऑयल मेरा गरम हो गया है। अब इसमें हम अपनी चिप्स डालेंगे दो दो चार चार करके, देखिए ऐसे सिंगल सिंगल करके, बहुत जल्दी फटाफट तैयार होंगी। देखिए देखिए पहला बैच मेरा सिक्के तैयार हो गया। इसको देखिए इस तरीके से हम चलनी में निकालेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल निकलता रहेगा। दूसरा बैच डालते हैं। देखिए आपने जितना ऑयल चढ़ाया उसी, मैंने ज़्यादा नहीं चढ़ाया उसी हिसाब से। देखिए देखिए सभी चिप्स मेरी बनके तैयार हैं, यानी कि आधी कच्ची उतारी है मैंने। इस ऑयल को तेज गरम करके अब इसमें दोबारा फ्राई करूंगी मैं। देखिए तेज गरम ऑयल हो गया इसमें। देखिए एक बार आधा कच्चा उतार के 2 मिनट के लिए छोड़ के और दोबारा मैं ऑयल में इसको करारा बनाने के लिए, देखिए गैस को मैंने फुल करा हुआ है, सिकने देंगे। देखिए चिप्स मेरी बनके तैयार हो गई, इसको निकाल देंगे हम और फिर दोबारा से अच्छा ऑयल को गर्म हो जाएगा जब हम और दूसरा बैच डालेंगे। देखिए सभी चिप्स मेरी बनके तैयार हो गई हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया, मैं आपको दिखाऊंगी इसको, बहुत ही बढ़िया तैयार हुई, फटाफट तैयार हो जाती है। देखिए गैस को बंद कर रही हूँ मैं। देखिए 2 मिनट के लिए इनको छोड़ूंगी मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी गर्म है ना, तैयार होगी। देखिए इसमें हम मसाला डालेंगे, मैं इसमें व्रत का मसाला डाल रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं आपको इसके मसाले बनाने की विधि बताऊंगी। देखिए मैं लाल मिर्च नहीं डालना चाह रही थी लेकिन डाल के दिखाऊंगी। लाल मिर्च पसंद हो तो लाल मिर्च भी आप इसमें
डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया चिप्स बनके तैयार हुई हैं, करारी एकदम, देखिए एकदम करारी बनके तैयार हुई हैं, और पूरा ये एक प्लेट के 10 से 15 रुपए में तैयार होगी फटाफट। बाकी हमारी मेहनत है, और आप भी बनाइए और अपने बच्चों को देखिए। अंकल चिप्स का पैकेट लाते हैं, बड़ा ही महंगा पड़ता है वो, इस तरीके से आप बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए, बना के बच्चे भी खुश और आप भी खुश। देखिए बहुत ही करारी बन के तैयार हुई, देखिए क्रिस्पी और करारी बन के तैयार हुई। आप मसाला जैसा डालना चाहें, चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें, और फटाफट बन के तैयार हुई है। और कृपा करके आप मेरे चैनल को जो नए हैं, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, लाइक करें, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कृपा करके बताएं, और मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें। देखिए जय कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।